दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। अंग्रेजों को धोते हुए सीरीज में की बराबरी, फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जो कह दिया उनकी बातों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आखिर रोहित शर्मा ने दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद क्या दिल छू लेने वाला बयान दिया? किस खिलाड़ी को बताया इस मैच का रियल हीरो? रोहित ने क्या बताया जीत का मास्टर प्लान? आखिर कैसे रोहित की बातों ने छिड़का अंग्रेजों के जख्मों पर नमक? लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 396 रनों का विशाल ट्रायल स्कोर दिया था। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 209 रन ठोक दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 253 रनों पर बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 399 रनों का विशाल टारगेट रखा। इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने 104 रन बनाए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में एक विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई किए, फिर अपना विकेट गंवाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को गेंद थमाते हैं। तब उन्होंने इस ओवर की पांचवी गेंद पर पहले रेहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विकेट का खाता खोला और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान बनाकर अश्विन से गेंदबाजी करते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ऑली पॉप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऑली पॉप तेजी से रन बना रहे थे लेकिन 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए और फिर उसके बाद अश्विन ने रुकने का नाम नहीं लिया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो रूट केवल 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इंग्लैंड के चार बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन जा चुके थे लेकिन जैक क्राउली मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए क्राउली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ी। क्राउली 73 रन बनाकर पवेलियन गए तो फिर भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर जॉनी बेरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड टीम लड़खड़ाती चली गई और भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई विकेट निकालकर इस मैच को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। हर कोई खुशी से झूम उठा। वहीं मैच में जीत दर्ज करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा है और इस खिलाड़ी की करी सबसे ज्यादा तारीफ। किस खिलाड़ी को बताया इस मैच का रियल हीरो? कप्तान रोहित शर्मा ने जीत के बाद बयान देते हुए कहा कि टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, हर खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जायसवाल और शुभमन गिल ने टीम के लिए रन बनाया और मजबूत स्थिति में खड़ा किया। वहीं अश्विन और बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया जिसकी बदौलत हम लोगों ने ये टेस्ट मैच जीत लिया है। चौथे दिन की स्थिति काफी खराब नजर आ रही थी। हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त पलटवार कर मैच को अपने कब्जे में किया। मैं इस टेस्ट मैच को जीत कर काफी खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम ये सीरीज 4-1 से जीत कर अपने नाम करेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में सबसे ज्यादा योगदान यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह का है। उनकी बदौलत हम लोग इस टेस्ट मैच में बने रहे, वरना ये टेस्ट मैच भी हमारे हाथों से फिसल रहा था। सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से रोहित शर्मा ने जीत के बाद बयान देकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच का रियल हीरो कौन है, अश्विन बुमराह या फिर जायसवाल? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया ने चौथे दिन ही अंग्रेजों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 1-1 से टेस्ट सीरीज में बराबरी कर ली। तो इंग्लिश खिलाड़ियों और फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अब टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर कुछ ऐसा कहा जिनकी बातें सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा टीम इंडिया की जीत पर सानिया का रिएक्शन, आखिर किसे बताया उन्होंने जीत का हीरो, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन गिल और यशस्वी में कौन है मैन ऑफ द मैच का असली हकदार, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में हार गई थी, उसके बाद तो अंग्रेजों का घमंड देखने लायक था। उन्होंने तो टीम इंडिया को 5-0 से टेस्ट सीरीज में हराने का सपना भी सजा लिया था, लेकिन घमंड तो इतिहास में किसी का भी नहीं टिकाए और अधिकांश बार भारत ने ही दुनिया भर की टीमों का घमंड तोड़ा है। और एक बार फिर से ये देखने को मिला जब विशाखापट्टनम के मैदान पर 4 दिनों में ही अंग्रेजों ने टीम इंडिया के सामने न केवल घुटने टेके बल्कि भारत ने
उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इंग्लैंड को चौथे दिन जीत के लिए केवल 322 रन चाहिए थे और उनके ओपनर बल्लेबाजों ने 67 रन बनाकर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। यहाँ तक कि जैक क्रॉली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बना डाले थे, लेकिन टीम इंडिया ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। सुबह सुबह कप्तान रोहित ने मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने शुरू से ही अश्विन और अक्षर को गेंदबाजी में लगाया और उसका नतीजा भी हुआ, जहां अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना फिरकी से नाइट वॉचमैन को वापस भेजा। तो उसके बाद तो रविचंद्रन अश्विन का कमाल देखने लायक था। बेन डकेट से लेकर ओलिपॉप जो रूट जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का सफाया कर उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़ी, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेरस्टो के रूप में टीम इंडिया का सबसे बड़ी सफलता दिलाकर टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। कुलदीप के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आखिर उन्होंने टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़े रोड़े जैक क्रॉली को पवेलियन भेजा, यानी कि सभी के सहयोग की बदौलत ही हर एक खिलाड़ी ने लाजवाब प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को टीम इंडिया ने चौथे दिन घुटनों पर लाकर टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर डाली, जिस पर भरोसा करना अभी भी अंग्रेजों के लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। तो वहीं पूरी दुनिया टीम इंडिया का यह शानदार प्रदर्शन देखकर हैरान रह गई। यहां तक कि सानिया मिर्जा भी अब बेहद खुश नजर आ रही है। यहां तक कि सानिया ने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जीत केवल उनका एक तुक्का था। हो ही नहीं सकता आप भारत में आए, हमारी स्पिन पिचेस पर खेलें और हमें हार हरा कर चले जाएं। सालों से ये कोई नहीं कर पाया, तो इस इंग्लैंड टीम में वो जज्बा, जोश और ताकत नहीं है कि वो हमें भारत में ही हरा दे, वो भी उस वक्त जब अश्विन बुमराह जैसे दिग्गज और रोहित जैसे महान कप्तान भारतीय टीम में हो। ये तीनों खिलाड़ी अकेले इंग्लैंड के लिए काफी थे। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि युवा टैलेंट को भी आपको श्रेय देना पड़ेगा। गिल और यशस्वी का इसमें बहुत ही योगदान रहा है। यदि उनका बल्ला नहीं चलता तो हो सकता है भारतीय मैच जीत नहीं पाती। उनके रूप में टीम इंडिया को दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुके हैं। मैं सभी को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं और मेरा तो ये भी कहना है कि टीम इंडिया 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जीतेगी। तो दोस्तों, सच में सानिया मिर्जा का बयान सुनकर तो अंग्रेजों के जख्मों पर नमक पड़ा होगा जरूर, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था, अश्विन गिल या फिर अश्विन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी और गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे दिन के पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, अंग्रेजों की कांप गई रूह। तो आखिर क्रॉली के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों की धाकड़ बल्लेबाजी का कैसे टीम इंडिया ने दिया मुंह तोड़ जवाब? आखिर किस गेंदबाज ने अपनी कातिलाना फिरकी से पलट दिया पूरे मैच का रुख? कैसे अक्षर अश्विन के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हुआ पूरा इंग्लैंड? इंग्लैंड अब लक्ष्य से कितनी दूर रह गई है? टीम इंडिया को कितने विकेट चाहिए ये दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करने के लिए? कौन है किस पर हावी? इस रोमांचक मुकाबले की अब तक की पूरी हाइलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, अश्विन और अक्षर में कौन सा गेंदबाज चौथी पारी में 5 विकेट चटकाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा, उन्होंने एक तूफानी शतक ठोका, टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया।